Good morning, class 3. Yesterday we had already learned about hardware. Hardware के बारे में हम लोग तक पढ़े थे. Already ये revision चल रहा है. अब पढ़ चुके हैं उस chapter को. तो कल मैंने hardware के बारे में बताया था. Software topic जो है रह गया था. तो software के बारे में आज हम लोग समझेंगे. Okay? तो what is a software? The part of the computer that cannot be touched is the software. कंप्यूटर का वो भाग, वो हिस्सा जिसको हम टच नहीं कर सकते, नहीं छू सकते, उसे आप सॉफ्टवेयर बोलते हैं. यानी एवरी सॉफ्टवेयर परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शंस. द टूल्स यू हैव लर्न शो फॉर सच एज वर्डपैड, टचपैड एंड एमएस पैन आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ अ सॉफ्टवेयर. ये जितने भी हैं ये सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल से उदाहरण हैं. ए सॉफ्टवेयर कैन बी इजली इंस्टॉल्ड और रिमूव फ्रॉम ए कंप्यूटर. कंप्यूटर से सॉफ्टवेयर को आप आराम से, आसानी से इंस्टॉल कर सकते हो और रिमूव कर सकते हो, हटा सकते हो. ए सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो कंसर्न्ड अपग्रेडेड डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन. सॉफ्टवेयर आर डिवाइडेड इंटू टू टाइप, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शंस, यानी फंक्शंस के आधार पर सॉफ्टवेयर को आपको टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकेंड इज अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. नाउ सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में जाने. सिस्टम सॉफ्टवेयर परफॉर्म्स द बेसिक फंक्शंस ऑफ द कंप्यूटर. ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये कंप्यूटर का बेसिक फंक्शंस जो है परफॉर्म करता है. इट कंट्रोल्स द ओवरऑल वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम. कंप्यूटर सिस्टम के टोटल वर्क को ये नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है. तो फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम. The operating system is a type of system software that runs the computer. The operating systems वो system है जिससे computer आपको चलता है. It manages all the input and output tasks. ये सभी input output tasks को complete करता है. It forms the link between the parts of a computer and the users. या parts of computer और users के बीच में link करता है, link जोड़ता है. Windows is a popular ऑपरेटिंग सिस्टम्स. और विंडोज जो है ये पॉपुलर यानी सबसे फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं. नाउ सेकेंड, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. डियर स्टूडेंट्स, व्हाट डज द वॉल्स ऑफ योर हाउस डू. आपके घरों का वॉल जो है, दीवार क्या करता है, किन चीज़ पे मदद करता है. तो दे प्रोटेक्ट योर फ्रॉम द आउटसाइड वॉल्ड. तो वो क्या करता है, वॉल क्या करता है, तो आउटसाइड से यानी बाहरी जो भी एक्टिविटीज है उससे वो प्रोटेक्ट करता है, बचाता है. सिमिलरली इसी तरीके से एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर फॉर्म्स द प्रोटेक्टिव वॉल ऑफ द कंप्यूटर. इस तरीके से कंप्यूटर का जो ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है ये वॉल हुआ जो प्रोटेक्ट करता है. इट प्रोटेक्ट द कंप्यूटर फ्रॉम एनी डैमेज दैट कैन बी कॉज्ड बाय अ कंप्यूटर वायरस. यह कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता, बचाता है कंप्यूटर के वायरस से. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर टास्क स्पेसिफिक प्रोग्राम्स, जैसे जिसमें आप एमएस पेंट, टस्क पेंट, वर्ड पैड एंड इवन कंप्यूटर गेम्स आर ऑल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ये सब जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हुए. एमएस पेंट एंड टस्क पेंट आर यूज्ड टू ड्रॉ पिक्चर्स, व्हाइल वर्ड पैड इज यूज्ड टू टाइप टेक्स्ट ऑन द कंप्यूटर. तो एमएस पेंट और टस्क पेंट का यूज जो है ड्रॉइंग करने के लिए किया जाता है, जबकि एमएस वर्ड का यूज टेक्स्ट टाइप करने के लिए किया जाता है. डियर स्टूडेंट्स, now let's recollect the parts of a computer that can be touched are its hardware. computer ka wo parts, wo bhag jisko hum chhu sakte hain, wo uska hardware kehlata hai. the part of a computer that cannot be touched is that software, wo software kehlata hai. hardware devices are grouped into input, output and storage device. hardware devices ko group kiya gaya hai इनपुट में, आउटपुट में और स्टोरेज डिवाइस में. और सॉफ्टवेयर आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. नाउ यहाँ पे कुछ सॉल्यूशंस हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर ए में आपको अनस्पेबल द वर्ड्स हैं, इस वर्ड्स के लेटर को रीअरेंज करके मीनिंगफुल बनाना है. तो फर्स्ट में आपको एंटीवायरस बच जा रहा है, सेकेंड में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम्स, इन थर्ड हार्डवेयर, इन फोर्थ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड फिफ्थ मैं आपको बोलना है माइक्रोफोन. और नंबर बी, आइडेंटिफाई वेदर द गिवन पार्ट्स इज अ हार्डवेयर और ए सॉफ्टवेयर. आइडेंटिफाई करना है
दिए गए तस्वीर को देखना है, आइडेंटिफाई करना है हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है। इन फर्स्ट सॉफ्टवेयर है, इन सेकेंड में हार्डवेयर, थर्ड भी हार्डवेयर, फोर्थ सॉफ्टवेयर एंड फाइव फिफ्थ जो है वो हार्डवेयर है। नाउ डियर स्टूडेंट्स आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस ऑलरेडी आप लोग कर चुके होंगे। विच स्टोरेज डिवाइस इज यूज टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। तो सिंपल सा आपने कल पढ़ा था, जाना था, समझा था, पेन ड्राइव। पेन ड्राइव का जो है मोस्टली यूज किया जाता है डेटा को ट्रांसफर करने में। नाउ डियर स्टूडेंट्स सेकेंड क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर रन्स द कंप्यूटर। तो डियर स्टूडेंट्स अभी आपने पढ़ा ऑपरेटिंग सिस्टम जो बहुत ही पॉपुलर है, इससे कंप्यूटर रन होता है। नाउ थर्ड, वॉट फॉर्म्स द प्रोटेक्टिव वॉल ऑफ योर कंप्यूटर। एंटीवायरस, एंटीवायरस के बारे में अभी पढ़ा। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, नेम थ्री एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। थ्री एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नाम लिखना है। तो डियर स्टूडेंट्स एमएस पेंट हो गया, टच पेंट हो गया एंड वर्डपैड हो जाएगा। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर कैन नॉट बी टच्ड। तो सॉफ्टवेयर पार्ट जो है जिसको आप नहीं टच कर सकते हैं, नहीं छू सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर डी में आपको स्टोरेज है, इसमें आपको खुद से करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर ई, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान को एंड दिए हुए खाली जगहों को भरना है। द डैश इज अ हार्डवेयर दैट लुक्स लाइक अ टीवी स्क्रीन। कौन सा मॉनिटर जो है वो टीवी स्क्रीन के जैसा दिखता है। तो डियर स्टूडेंट्स मॉनिटर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ए डैश इज यूज टू रिकॉर्ड साउंड ऑन द कंप्यूटर। कंप्यूटर के साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए हम किन चीज़ का यूज करते हैं, तो माइक्रोफोन का डियर स्टूडेंट्स हम लोग यूज करते हैं। नाउ थर्ड, द प्रिंट आउट गिवन बाय अ प्रिंटर इज ऑल्सो कॉल्ड ए। प्रिंटर के द्वारा जो प्रिंट आउट दिया जाता है उसको हम लोग हार्ड कॉपी भी बोलते हैं। ओके, सी डी स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क जो स्टोरेज डिवाइस है। द डैश सॉफ्टवेयर आर टास्क स्पेसिफिक, तो एप्लीकेशन। डियर स्टूडेंट्स इसको आप लोग अच्छे से लर्न कर लेंगे, समझ लेंगे, ऑब्जेक्टिव को भी देख लेंगे। फुल फॉर्म कुछ दिया गया है, जम्बल्स अनस्टेबल वर्ड्स वगैरह हैं, सबको फिर से देख लेंगे और अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।